गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी? आ जाएं जल्दी से, सुबह के 6 बज चुके हैं और आपके डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का मैथ शुरू हो चुका है। उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो गर दूर तो रोया नहीं करते, और रखते हैं जो दिल में तड़प कुछ कर दिखाने का, वो दिन में नहीं रातों को भी सोया नहीं करते। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो साथियों, अभी आपने 5 बजे क्लास देख लिया होगा, जीरो लेवल बेसिक मैथ। कौन कौन नहीं देखा? जो नहीं देखे वो अभी इस क्लास के बाद उसको देख लीजिएगा। और हाँ, अभी इसके बाद 6:30 बजे से अगली क्लास होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, उसको भी देखना। फिर 7 बजे से कंपटीशन की मैथ होगी, उसके बाद 8 बजे से 10th की एनसीईआरटी मैथ होगी। लगातार 5 क्लास होती है नॉन स्टॉप, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बैंक क्या होता है, बैंक का उद्देश्य क्या होता है, बैंक का मकसद क्या होता है, पर्पज क्या होता है, या फिर बैंक हमारे लिए किस प्रकार से सहायता करता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं और अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा कि आपके पास बचत खाता है, अक्सर सामान्य ज़िंदगी में बचत खाता ही होता सबके पास, सेविंग बैंक अकाउंट है ना। जो दूसरे नंबर का अकाउंट आता है, चालू खाता या करंट अकाउंट, ये कुछ लोगों के पास होता है, मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं, क्योंकि इसमें लेन देन की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इस खाते में आप कोई भी ब्याज नहीं प्राप्त करेंगे, एक भी रुपया नहीं मिलेगा, चाहे जितना रखे रहो, बैंक कोई ब्याज नहीं देता। तो हम आज पहले बात करेंगे बैंक में खाता कैसे खोलते हैं। देखिए साथियों, जब आप पहली बार बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, वैसे तो आप लोग समझदार हैं, कोई बच्चे नहीं तो हम दिखा देते। तो होता क्या है, जब आप पहली बार बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब अपना अकाउंट बनवाना पड़ता है। और वो फॉर्म कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ कागजात यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि रियल के फॉर्म हैं। इनको हमने लाया हुआ था अकाउंट ही ओपन करने के लिए, अभी तक जमा नहीं किया, अभी जमा होने वाले हैं, देखिए कब होते हैं। जिसमें हम आपको दिखाएंगे तीन बैंक के फॉर्म, तीन बैंक के फॉर्म मतलब SBI, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भारत देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक का ये खाता खोलने का फॉर्म है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर में बाकायदा चैप्टर है, तो ये है स्टेट बैंक का खाता खोलने का फॉर्म। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं क्या क्या इसमें करना होता है। इसके बीच में कुछ चीज़ें भरी भी गई हैं, ये यहीं इलाहाबाद का ही ऑनलाइन अब तो होने लगा, पहले फॉर्म मिलता था फिलहाल। तो इसमें आप देखेंगे पहले पेज पर सभी पर्सनल डिटेल भरने होते हैं, दूसरे पेज पर एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर और बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये सब तो आप जानते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है गारंटर, जिसे बोलते हैं, है ना, गारंटर जानते हैं। वैसे तो आप, जब से सब कुछ ऑनलाइन होने लगा लगभग इसका काम ख़त्म हो गया है। गारंटर वो लोग होते हैं, जैसे कि आपको मान लेते हैं इलाहाबाद में सिविल लाइन ब्रांच में खाता ओपन करना है स्टेट बैंक में, तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत आपको पड़ती है जिसका खाता उस बैंक में पहले से हो, वो साइन करेगा, इसमें बना होता है कॉलम, उसमें लिखेगा कि हाँ मैं इनको इतना दिन से जानता हूँ और हमारा ये फलाना फलाना खाता इसमें है, और फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर कोई भी बैंक का आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल बैंक का कुछ इस तरह से आता है, जिसमें एक ही में ATM कार्ड वगैरह, नेट बैंकिंग का भी फॉर्म होता है। तो इस तरह के फॉर्म आपको फिलअप करने होते हैं, जो कि पूरा एक किताब की तरह होता है। उसके बाद आपको एक 11 से लेकर के 14 अंक के खाता मतलब नंबर मिल जाता है। बाकी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज करना चाहते हैं, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह के लिए है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, मतलब हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है, ये तो ऐसे स्टेट बैंक का है, ठीक। तो साथियों, कहले का कुल मतलब ये था हमारा बताने का इसमें, कि ये जो है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना चाहते हैं अपने बैंक में, तब तो ये सारे प्रपत्र आपको फिलअप करके जमा करने होते हैं। तो ये तो हो गई बात अकाउंट खोलना। उसके बाद आप किस तरह का अकाउंट ओपन करेंगे,
ये बात आती है इसमें, देखिए फ़ोटो वगैरह भी लगता है, ये कुछ फिलअप किया गया फॉर्म था जिसमें तीन फ़ोटो लगा सकते हैं, मतलब तीन लोग ज्वाइंट खाता खोल सकते हैं, ये लगभग सामान्य सभी फॉर्म में होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे खाता कितने प्रकार का होता है। साथियों देखिए, खाता जो है मुख्य रूप से जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर ये सात प्रकार के खाते बैंक में खोले जा सकते हैं, जिसमें से एक सर्वविख्यात है सेविंग बैंक अकाउंट, जिसे बचत खाता बोला जाता है। बचत खाता की खासियत क्या होती है, हम आपको यहाँ पर हल्के शब्दों में बता दें साथियों, बचत खाता में लगभग में 3.5% ब्याज मिलती है, और इस खाता को ओपन करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अगर आप गांव साइड में हैं, देहात में हैं, मतलब रूरल एरिया में हैं जिसे रिमोट एरिया भी शायद बोला जाता है, तो वहाँ पर इस खाता को ओपन करने के लिए मिनिमम 500 रुपया होना चाहिए, मतलब उस अकाउंट में, तब ये खाता खोला जा सकता है, मतलब सामान्य तौर पर जनरल खाता। बाकी आपके स्कूल से खाता ओपन कराया जा रहा है, या फिर आपका सैलरी का खाता है, या फिर पेंशन का खाता है, तो उसमें कोई भी अमाउंट रिक्वायर नहीं होता है, क्योंकि बैंक जानता है कि भाई इनको हर महीना सैलरी वैसे भी आएगी। अगर सैलरी अकाउंट है तो हर महीना सैलरी आएगी, अगर पेंशन अकाउंट है मतलब पेंशन जो मिलती है किसी विशेष परिस्थितियों में बुजुर्ग वगैरह को, तो उनकी पेंशन भी हर महीना आएगी। अगर स्कूल का खाता है तो छात्रवृत्ति आएगी, स्कॉलरशिप आएगी, तो बैंक को पता होता पैसा आएगा। लेकिन सामान्य रूप में आप खाता खोलेंगे तो बैंक ही नहीं जानता आपका पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए वो सोचता है कि कुछ ना कुछ भाई इसमें होना चाहिए, तभी हम खोलेंगे, नहीं तो खाता नहीं खोलेंगे। बाकी अगर सिटी साइड में देखा जाए, मतलब जो शहर हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं अपने यहाँ से सुल्तानपुर से, मान लेते हैं कि कोई सुल्तानपुर सिटी में खाता खोलना चाहता है, तो वहाँ पर लगभग हर एक बैंक के, वैसे कुछ बैंक के अलग होते हैं, नहीं तो सामान्यतः एक ही होते हैं, कम से कम 1,000 रुपये होना चाहिए सामान्य खाता खोलने के लिए, मतलब जनरल में बचत अकाउंट, सामान्य बचत अकाउंट। बाकी जनधन आपने देखा होगा, अभी योजना आई थी, कब आई थी, 2014 में कि 15 में, कब आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब बने हुए थे, जो वर्तमान में है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इन्होंने जनधन योजना लॉन्च किया था, और जो कि आपको बता दें हमें जहाँ तक याद है 14 अगस्त 2014 को है ना, सॉरी 14 अगस्त नहीं, 28 अगस्त को, हाँ 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना आई थी, और उसके बाद ढेर सारे बैंक अकाउंट खोले गए है ना। और इसके बाद आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा, हाँ तो ये हो गया, इसके बारे में आपने देख लिया। तो जो जनधन योजना वाला खाता था वो बिना किसी पैसे के खोला जा रहा था, शून्य बैलेंस से खोला जा रहा था, जिसमें से बहुत सारे खाते बंद हो चुके हैं और बहुत सारे खाते जो हैं चल रहे हैं, जिसमें लोगों ने बैलेंस जमा किए, ठीक है, और ढेर सारे खातों को बैंक ने सामान्य खातों में कन्वर्ट करा दिया। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशन थी, ये सब बातें हो गई। हाँ अब बात करते हैं महानगरों की और मेट्रो सिटी की। तो साथियों महानगरों में और मेट्रो सिटी में जो खाता खोलने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इलाहाबाद प्रयागराज में बात करें, तो यहाँ पर 3,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए। जैसा कि अभी स्टेट बैंक SBI में खाता ओपन कराया था हमने पिछले साल में, तो वहाँ पर मिनिमम कंडीशन थी 3,000 का, लेकिन जब हमने वहाँ पर उनको सारा तिकड़म बताया था, PVR स्टडी शुरू होने वाला था कि ऐसे ऐसे है, गूगल को ऐड देना है, हमें ये करना वो करना है, तो मैनेजर साहब ने, श्री शशांक द्विवेदी जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, उन्होंने अपने ही बुद्धि विवेक के आधार पर अकाउंट को ओपन कर दिया था, जिस टाइप का मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर, ठीक ना। तो फिलहाल वो चल रहा है, ये हो गई सामान्य सी बातें, ठीक ना। हाँ अब बात करते हैं खातों के बारे में, ये तो हो गया बचत खाता खोलने के बारे में। बचत खाता में हमने आपको बता दिया कि कहाँ कैसे कितना रुपया चाहिए बचत खाता खोलने के लिए। दूसरी बात आती है कि इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। देखिए साथियों, बचत खाता में आप लोग जानते हैं सारी योजनाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, और बैंक इसमें धन रखने के लिए आपको 3.5% तक लगभग ब्याज देता है, सामान्य तौर पर 3.5% तक ब्याज मिलता है। आपके पास जो भी अकाउंट होगा बचत खाता का, पीछे पासबुक में देखिए लिखा होगा
हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग 3.5% का ब्याज मिलता है एनुअल में, ठीक। बाकी अगर दूसरे खाता की बात करें, चालू खाता की, तो चालू खाता जो होता है जिसे करंट अकाउंट बोला जाता है, ये बड़े व्यापारियों के लिए, निगम, कंपनियां, संस्थाएं नगद लेन देन जो नहीं कर सकते हैं, जैसे लाखों करोड़ों का लेन देन करना होता है, वो लोग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। इसलिए वह बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं और इस खाते में जो भी धनराशि जमा होती है, बैंक उस पर कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। इतना ही नहीं, इस खाते में सामान्य खाते की अपेक्षा कई बार धन को निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। और हाँ, इसके अलावा कभी-कभी बैंक खाताधारी के नामपत्र की फीस लेता है। वर्तमान में चालू खाता खोलने के लिए एक वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹50 सेवा शुल्क भी लिया जाता है। मतलब इस समय अगर कोई करंट अकाउंट ओपन करता है स्टेट बैंक में, तो हर साल ₹50 उसको देना पड़ता है, ठीक ना। आगे है सावधि जमा खाता। साथियों, तीसरा नंबर जो है सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं, हमने 5,000 फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हमने 1,00,000 फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 10,00,000 कर दिया, अपने फलनवा के नाम कर दिया, फलनिया के नाम, सुना होगा ना, दादी लोग बात करते हैं, और जो भाई बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है बोलचाल की भाषा में। तो ये फिक्स डिपॉजिट का होता है, ये बहुत ही फायदेमंद खाता होता है। इसमें दोनों का फायदा होता है, बैंक का ज़्यादा होता है, मतलब 3 का आपका फायदा होता है तो 13 का बैंक का होता है। ₹3 आपको मिलेगा तो ₹13 उसको मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, एक कहावत सुना होगा, भूखी बिल्ली को जूठा सही, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो भाई जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ही मिल जाए बहुत अच्छा है, बाकी और नहीं बोलेंगे। तो कहने का ये मतलब है, फिक्स डिपॉजिट जो अकाउंट होता है साथियों, हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग इसमें 7.5% तक ब्याज मिलता है। 7.5% ये जमा की गई राशि और उसके जमा किए गए दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप कोई अमाउंट 1 साल या इससे अधिक के लिए जमा करते हैं, तो आपको 7.5% तक का ब्याज मिलता है। अगर आप 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए फिक्स करते हैं, तो कुछ कम मिलेगा उससे। जैसे 6 महीना के लिए 6.9% लगभग मिलता है। तो ये अलग अलग कंडीशन होती है। इसमें फ़ायदा क्या होता है आपका और बैंक का, देखिए। अगर आपने हमें ₹1,000 दिया और हमें ये नहीं पता है कि आप उसको हमसे कब मांग लेंगे, तब हम उस पैसे का क्या प्रयोग करेंगे, रखे रहेंगे भाई, जैसे आप मांगोगे वैसे आपको दे देंगे, कोई विशेष यूज नहीं कर पाएंगे ना, है ना। लेकिन हाँ, मान लेते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो हम इधर उधर कर सकते हैं उसको, दूसरे को दे सकते हैं, उतने में कोई शॉपिंग कर सकते हैं, फिर बाद में आप मांगोगे तो आपको दे देंगे। लेकिन अगर हमें पता हो जाए कि आपने हमें जो ₹1,000 दिया है, अब आप उसे 1 साल तक नहीं मांगोगे, 1 साल तक नहीं मांगोगे, तब हम निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके उस ₹1,000 को हम 1 साल तक चाहे जो करें, है ना, हो जाएंगे निश्चित ना। तो वही बैंक करता है, अगर आपने ₹1,000 फिक्स कर दिया, तो वो बैंक जो है क्या करता है, उस रुपया का लोन देता है, कर्जा देता है, ज़रूरतमंदों को पहुंचाता है, और उसको मालूम होता है कि साल भर आप उससे पैसा नहीं लेने वाले हो, है ना। तो बैंक जो लोन देगा वो कितना लेगा, जो लोन देता है बैंक लगभग 12 से 14% तक की ब्याज लेता है वो, और उसके बाद फिर आपको उसमें से 7% लगभग दे देगा, 7.5% तक, तो उसका भी तो आधा बच रहा है ना, बात समझ गए ना। हाँ, अब इसमें देखिए लिखा क्या गया है, ये सब हम अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट करके बताना, ठीक है। हम बात कर रहे थे अभी तक सावधि जमा खाता के बारे में। हाँ, सावधि जमा खाता के बारे में, ये खाता बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर, ब्याज की अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा होता है। खाताधारी अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है, फिर भी खाताधारी की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि के पूर्व भी ब्याज दर में कटौती कर भुगतान किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स किया था, इमरजेंसी पड़ गई, कोई आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उस पैसे को 6 महीना, 3 महीना में निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपका ब्याज दर में कटौती कर दी जाएगी, उतना ब्याज नहीं मिलेगा, बात समझ गए ना।
जैसे आपने 1,000 रुपये जमा किया, फिक्स हो गया कि आपको 7% ब्याज मिलेगा, मतलब साल भर के बाद आपको 1,070 रुपये मिलेगा, लेकिन आपने 6 महीने में निकाल लिया तो बैंक बेवकूफ़ नहीं है, 70 रुपये ज़्यादा नहीं देगा आपको, वो फिर काट लेगा उसमें से। ठीक, सावधि जमा में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है, इसमें ब्याज वार्षिक, छमाही या तिमाही परिकलित किया जाता है, ये अलग अलग बैंकों पर डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशन और स्थिति पर। इसके बाद अगर आगे चलें तो है चौथा नंबर पर आवर्ती जमा खाता, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है, कौन सी बला है, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर मतलब समझने वाली बात है साथियों, ये जो आवर्ती या संचयी जमा खाता होता है, ये एक निश्चित धन, जो 5 रुपया या 10 रुपया के गुणांक के रूप में होना चाहिए, प्रतिमाह निश्चित अवधि जो कम से कम 12 माह, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है। मतलब नहीं समझ पाए, फिक्स डिपॉजिट में जैसे हमने 1,000 रुपये फिक्स कर दिए साल भर के लिए, हमें उसमें कुछ नहीं करना है, फिर नहीं जाना देखने, छोड़ दो, भूल जाओ एक साल के लिए, ये फिक्स डिपॉजिट है। जो आवर्ती जमा खाता है, इसमें अगर आपने फिक्स किया कि हम 1,000 रुपया हर महीना जमा करेंगे या फिर 1,000 रुपया हर साल जमा करेंगे, तो क्या होगा, 5 रुपया या 10 रुपया के गुणांक में, जैसे 5 × 10, 5 × 15, मतलब 15 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया हर महीना हम जमा करेंगे या हर साल जमा करेंगे। ठीक है, कम से कम 12 माह या अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है, मतलब एक साल कम से कम आपको जमा करना होगा, तभी आप इस खाता को खोल सकते हैं। ये नहीं कि आपने इस खाता को खोलवा लिया, भाई एक महीना जमा किया 1,000 रुपये, अगले महीना 500, अगले महीना 800, फिर कह दिया आप ना जमा करेंगे, ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको कम से कम साल भर जमा करना होगा, जितना भी आप तय किए रहोगे, जैसे 500 रुपये तय कर लिया तो हर महीना आपको इसमें 500 रुपये जमा करना है बस। ठीक, ये इसकी प्रक्रिया होती है। उसके बाद इसके फायदे क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। इस खाते में बचत खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज दर मिलती है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो नियमित रूप से अल्प धनराशि बचाना चाहते हैं। आवर्ती जमा योजना डाकघरों में भी संचालित हैं और इनकी ब्याज की दरें बैंक की दरों से अधिक होती हैं। मतलब ये जो आवर्ती जमा खाता है, ये डाकघर में, अभी आपने देखा होगा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी एक नया शुरुआत किया था, डाकखानों को भी बैंक बना दिया है ना, तो डाकखाने में ये सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर बैंक से अधिक ब्याज दर मिलती है, ये वहाँ पर भी होता है। मतलब अगर 1,000 रुपये फिक्स कर लिया तो हर महीने 1,000 रुपये जमा करना है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्याज मिलेगी, बहुत ज़्यादा मतलब करोड़ों नहीं मिलेगा, यानी बैंक से ज़्यादा मिलेगा, बचत खाता से ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद है अल्पवयस्क का खाता या माइनर अकाउंट। देखिए माइनर अकाउंट क्या होता है, MINOR, ये किसी छोटे बच्चे के लिए खोला जाता है, मतलब जो वयस्क ना हो, यानी 18 साल से कम अवस्था का हो। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ते हैं उनका भी अकाउंट ओपन हो जाता है, यूपी बोर्ड वालों की बात करें, CBSE बोर्ड वालों की, क्योंकि उनकी क्या आती है, सैलरी नहीं आती, स्कॉलरशिप आती है, लेकिन वो 18 साल के नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्कूल जो होता है उनका गार्जियन होता है, स्कूल के क्लास टीचर उसकी सारी हस्ताक्षर वगैरह करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, तो उन्हीं के परवरिश में वो खाता ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई सामान्य आदमी वैसे किसी बच्चे का खाता ओपन करवाना चाहता है तो इसमें क्या होता है, इस तरह का खाता खोलने का पहला नंबर तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, बैंक अधिकार नहीं देता कि 18 वर्ष से कम का खाता खुले, लेकिन अल्पवयस्क की आयु कम से कम 12 वर्ष होना आवश्यक है। 12 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम 12 वर्ष का होना चाहिए, उसके बाद इस तरह का खाता खोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई एक गार्जियन होना चाहिए जो कि उसमें साइन करेगा और अपना मतलब प्रूफ देगा कि हाँ हमारा ये बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, ये करना होगा, ठीक ना। हाँ, लेकिन इनको चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं है। चालू खाता मतलब जो मैंने बताया व्यापारियों वाला, क्योंकि जानते हैं कि ये 18 वर्ष से कम है, तो भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, अभी तक भारत इतना पीछे है
इतना 12 वर्ष सॉरी 18 वर्ष से कम अवस्था में कोई इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन जाएगा कि जिसको चालू खाता की जरूरत पड़े। यहाँ तो 18 से ज़्यादा वाले भी बेरोजगार पड़े हैं। उसके बाद होता है बैंक ड्राफ्ट, बैंक डिमांड ड्राफ्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा कि आप IIT कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, बीटेक करने जा रहे हैं, बी फार्मा करने जा रहे हैं, वहाँ पर बैंक का ड्राफ्ट लगता है, डिमांड ड्राफ्ट मंगाते हैं। उसमें क्या होता है, डाकघरों से पत्रों की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर किया जाता है। आपने सुना होगा, है ना, मनी ऑर्डर पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। इस प्रकार बैंक भी धन हस्तांतरण के लिए बैंक मांग पत्र डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा का अपनी ही किसी अन्य शाखा के नाम एक आज्ञा के रूप में होता है। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा का अपनी किसी अन्य शाखा में एक आज्ञा के रूप में ही होता है, जिसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है जिसके नाम ड्राफ्ट निर्गत किया जाता है। धन भेजने वाला व्यक्ति एक निर्दिष्ट मतलब एक निश्चित राशि बैंक को देकर ड्राफ्ट बनवाता है। बैंक धन पाकर ड्राफ्ट निर्गत करता है मतलब बनाता है, और ड्राफ्ट में अधिकृत व्यक्ति अर्थात जिसका नाम बैंक ड्राफ्ट से उल्लिखित हो बैंक उसके आगे देखिएगा उसको धन दे देता है। कहने का मतलब समझना शार्ट में, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने IIT कानपुर में या IIT रुड़की में जाके एडमिशन लिया बीटेक के लिए, वहाँ पर आपको 80,000 रुपया या 90,000 रुपया ये तो मान लेते हैं सरकारी स्कूल मतलब प्राइवेट की बात करते हैं, चलिए KIT कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट संस्थानों के बारे में, बीटेक वो भी करवाते हैं, तो ये इन संस्थानों के बारे में हमें मालूम है क्योंकि भैया जी ने हमारे बीटेक किया हुआ था, इस समय महिंद्रा में इंजीनियर हैं जो, तो 79,000 रुपया लगभग हर साल फीस लगती थी बीटेक में, मतलब 80,000 रुपया हर साल। तो वो क्या होता है, जैसे अगर अब पैसा देना है तो 80,000 कोई नगद ले जाके तो देगा नहीं कि भाई बोरा भर के दे दिया ले लो झोला भर के, उसका क्या होता है ड्राफ्ट वगैरह डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के जैसे दे देते हैं। तो अगर यहाँ से उनका कौन सा बैंक है वो बताएंगे, जिस भी प्रकार का उनका बैंक है यहाँ से उस प्रकार के बैंक में मतलब उसी बैंक में, जैसे SBI है तो SBI से जा करके डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके ले जाके वहाँ दे देंगे। तो ये शाखा यहाँ से उस शाखा को मतलब इसी की तो शाखा है ना SBI की कानपुर में है, और उसी SBI की शाखा सुल्तानपुर या इलाहाबाद में है, तो वहाँ पर एक आज्ञा के रूप में वो देगी कि हाँ यहाँ पर हमें इतना रुपया मिल चुका है मतलब 80,000 मिल चुका है, आप इनको 80,000 रुपये दे दीजिए। किसको, मतलब कॉलेज वालों को। तो वो बैंक वहाँ वाला ब्रांच जो है 80,000 रुपया बैंक वाले के खाते मतलब स्कूल वाले खाता में ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ से किसी को पैसा लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग ये डिमांड ड्राफ्ट ही होता है। ठीक, इसमें लूट खजाना चोरी चमारी की जो है दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, इसके लिए एक और भी बात होती है, बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है, साथ ही अपने खाते में डाल देता है, उसका भुगतान उसी के खाते के माध्यम से किया जाता है। ध्यान रहे, ड्राफ्ट निर्गत करने वाली शाखा हस्तांतरित होने वाली धनराशि पर बैंक के नियम के अनुसार कुछ कमीशन लेती है। मतलब कुछ ज़्यादा पैसा देना होगा अगर वहाँ पर उन्हें 80,000 जमा करना है, तो बैंक ऐसे फ्री में काम नहीं करेगी कि आपका पैसा इलाहाबाद से कानपुर या कानपुर से सुल्तानपुर पहुँचा दिया तो फ्री में कर दिया। बैंक कोई भी काम फ्री में नहीं करती है। इतना ही नहीं, जो आप लोग क्लास ज्वाइनिंग का शुल्क पेमेंट करते हो, जो लोग यूपी के बाहर हैं, जो लोग यूपी के बाहर हैं अगर वो वहाँ से पेमेंट करते हैं तो 10 रुपये आउटलेट सर्विस चार्ज भी कट जाता है जो आप लोग पेमेंट करते हैं, छोटा अमाउंट बता रहा हूँ 500-600 रुपये में। जो लोग यूपी से होते हैं उनका नहीं कटता है, लेकिन जो यूपी के बाहर के हैं अगर वो कोई भी पेमेंट करते हैं SBI अकाउंट में PVR स्टडी के, तो उसमें भी कट जाता है। ठीक ना। उसके बाद अगर आगे बात करें हम, ये तो हो गया बैंक डिमांड ड्राफ्ट की, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लाकर। लाकर क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत से न्यूज़ में आता है, सुर्खियों में आता है कि बैंक का लाकर तोड़ करके करोड़ों रुपया और खजाना उड़ाए।
सुना होगा, ये भारत में आम बात है, सब कुछ मुमकिन है ना। अब आगे नहीं बोलेंगे क्यों मुमकिन है, आप लोग जानते होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो लॉकर होता है एक प्रकार से, इस पे लोगों का बहुत बिलीव होता था, अब नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लॉकर तोड़ दिए गए, बहुत सारी चोरी हो जाती है इंडिया में। ऐसे ऐसे शातिर चोर हैं, अभी आपने देखा होगा, कुत्ते बिल्ली बन के चुरा लेते हैं, तो अलग बात है। तो लॉकर में कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य यही था कि आपके पास कोई अगर मूल्यवान वस्तु है, जैसे कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात का खूब सारा खजाना है, तो उसे अगर आप अपने घर में रखोगे तो चोर लोग चुरा ले जाएंगे, तोड़ ले जाएंगे, चोरी डकैती हो जाएगी। इसलिए आप उसे बैंक में ले जा करके रख दोगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी के रूप में लाकर बनाया जाता है, वहाँ पर आपका ये सुरक्षित रहेगा धन। और उसके बाद इसमें दो चाबी होती है जो लाकर वहाँ पर रहेगा, जहाँ पर ताला बंद होगा। एक चाबी आप ले लेंगे और दूसरी चाबी जो है वहाँ जो बैंक वाले होंगे, मास्टर चाबी उन लोगों के पास होती है, तो वो उस तरह से उसको आपको मैनेज करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है धन निकालने की विधि, पैसा कैसे निकालते हैं। अब ये आपके चैप्टर में है तो मैं आपको बता रहे हैं। वरना आप लोग सभी जानते होंगे, सभी के पास लगभग अकाउंट होंगे, आज दुनिया बहुत आगे गई है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं होगा, वो जान लें। देखिए, पैसा निकालने का इस समय कई तरीका है। सबसे पहला और पुराना तरीका है कि एक पेपर भरना, फॉर्म भरना पड़ता है पैसा निकालने के लिए। ऊपर अकाउंट नंबर, नीचे फलाना ढकाना, कितना निकालना है, कहाँ से निकालना है, ये सब भरना होता है, साइन वगैरह करना होता है। जो लोग अंगूठा लगाते हैं उनको दो तीन जगह अंगूठा टीपना होता है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, एक पुराने तरीके में अगर बात करें तो चेक वाला। आप अगर किसी को चेक दे देते हैं अपने बैंक का, जिसमें आपकी बैंक की सारी डिटेल पहले से होती है, सिर्फ आप साइन कर दीजिए, अमाउंट वगैरह वो भर सकता है, खुद निकाल सकता है। तो दूसरा तरीका चेक वाला हो गया, पहला तरीका हो गया फॉर्म भर के आप निकाल सकते हैं। वाहन चेक, आदेशिक चेक, ये सभी चेक के प्रकार हैं, रेखांकित चेक, ये सब हम बाद में बात करेंगे। और एक तरीका होता है पैसा निकालने का एटीएम कार्ड के द्वारा, ये तो सभी जानते हैं। बाकी लेन देन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या इस समय तो यूपीआई भी आ चुका है, जिसमें बहुत सारी पेमेंट की कंपनियां यूपीआई का यूज करके पेमेंट करवा रही हैं। तो ये सारी जो हैं चीज़ें थी बैंक के बारे में जो आपने देखा, और अगली क्लास में हम आपको और भी दिखाएंगे इसी के बारे में। लगभग ये ख़त्म हो चुका है। अब चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक जो हैं वो साथियों मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें वाहन चेक या धारक चेक होता है, बियरर चेक जिसे कहते हैं, दूसरा होता है आदेशिक चेक जिसे आर्डर चेक बोलते हैं, तीसरा होता है रेखांकित चेक यानी कि क्राफ्ट चेक, ठीक है। वाहन चेक क्या होता है इसको भी सुन लीजिएगा। यह चेक जिसके नाम होता है वह अथवा किसी वाहक के द्वारा, माफ़ करिएगा, वाहन नहीं, वाहक, वह अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी गई धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चेक रवि ने निकाला, मतलब छोड़िए रवि को, बात जाने दीजिए, मान लेते हैं ये चेक पीवीआर स्टडी से आपको मिला, ठीक है। और पीवीआर स्टडी से किसको मिला, ये मान लेते हैं रोहित को मिला, ठीक है। अब रोहित इस पैसे को बैंक में जा करके खुद ले सकता है अगर वाहक चेक है तो, या फिर उसका फ्रेंड जो है मनोज, वो भी जा करके अगर बैंक में जमा करेगा तो रोहित को पैसा मिल जाएगा अगर वाहक चेक होगा तो। आदेशिक चेक, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा जाएगा। अगर आदेशिक चेक है तो वो चेक का भुगतान सिर्फ रोहित को मिलेगा, बाकी किसी को ना मिलेगा। ये दूसरा प्रकार का चेक है। तीसरा है रेखांकित चेक। जब चेक के बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य में एंड सीओ नॉट नोटिबल अथवा अकाउंट पेई ओनली लिखा होता है, ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। और इस चेक की क्या खासियत होती है,
भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु एंड सीओ वाला क्राफ्ट चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बैंक खातों की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज की गणना। बचत खाते में ब्याज का परिकलन वर्ष में दो बार प्रायः मार्च और सितंबर में। बचत खाते में, चालू खाता नहीं, सेविंग अकाउंट में बैंक खातों की पासबुक में प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज दर की गणना, मतलब समझना। साल भर में दो बार ब्याज की गणना होती है। किसी माह का ब्याज खाता धारक के उस के द्वारा जमा धनराशि पर उस माह की 10 तारीख और अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम धनराशि पर देता है। वर्तमान में बचत खातों पर 3.5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए ब्याज दरों में समय समय पर संशोधन किया जाता है। ठीक है, समीप के बैंक में जाकर के खातों के प्रकार, खाता खोलने, धन जमा करने, धन निकालने की प्रक्रिया तथा विभिन्न प्रकार के परपत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने आपको दिखा दिया परपत्र। तो साथियों, अगला आ जाएगा लघुगणक की जानकारी और घातांक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और बैंक के क्या क्या कार्य हैं, बैंक में खाता क्यों खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन बैंक हैं, खाता कितने प्रकार के होते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, सावधि जमा खाता एवं आवर्ती जमा खाता में क्या अंतर होता है, चालू खाता व बचत खाता में क्या अंतर होता है, ये सभी सवाल बनते हैं, इनको आप खुद से कर लीजिएगा। इस तरह से आज आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगला 8वां चैप्टर आपका शुरू होगा लघुगणक वाला। ठीक है, तो लघुगणक हम लोग पढ़ेंगे, घातांक वाला चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में, जो कि कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं जीरो लेवल में। जो लोग जीरो लेवल ज्वाइन किए थे वो इसको लगभग पढ़ लिए हैं, जो नहीं ज्वाइन किए थे वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जय हिंद। अगली क्लास में मिलिएगा, अभी आधा घंटा बाद नहीं, मतलब 2 मिनट के अंदर आओ फिर से 6:30 बजे से अगली क्लास फर्स्ट सेमेस्टर।